ये सबसे कहता है नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है। तो क्या कहता है? तो सुनो, चल मेरे भाई कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, इस बार सड़ जाएगा रे भाई। तू सुन हो गया है तू बात ना मान मेरे भाई। रहने तो छोड़ो, अब जाने तो यार मसाला करे वो है बेकार। तू अभी भी नहीं समझा मेरी बात, चला दिखाता हूँ तुझे कलयुग के हालात। एक गिलासी दो गिलासी तीन गिलासी चार। ना लाए हो हफ्ते में एक कांदा, ना आलू आता, बच्चे पड़े बीमार, तो क्या पता है सालू। ना कर ले काम, कमा ले पैसा, लिया सब्जी और बना ले खाना अपने मन जैसा। तू कमाता ही कितना है, मैं पड़ोसियों से मांग मांग के थक गई। अरे छोड़ यार, क्या सुनी इसकी बात, चल चलते ठेके पे लगाएंगे पुआ साहब। देखा तूने, बीवी है लाचार, बच्चे पड़े बीमार और पति के हल्के विचार। हाँ, कहते हो ना पते की बात, लेकिन ये तो है गरीब, इनकी गुजरती है ऐसी रात। कुछ और बात बता। ऐसा नहीं है, चला दिखाता हूँ मैं तुझे दूसरों के भी हालात। किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठते नहीं, उठ जाता है। लेकिन उस रात अपन दो बजे तक पिया। जी कल पेमेंट भी तो सॉलिड हुई थी। तो मेरी पार्टी कहाँ हुई थी पापा? की बात कर दी पुत्र, तूने पार्टी रखी हुई ना तेरे लिए सेंद्री वाले फार्म हाउस पे। सेंद्री वाले फार्म हाउस तो देखा तूने, गरीबों से लेकर अमीरों तक सबको लगी है दारू की लत। अभी भी नहीं हुआ तू मेरी बात से सहमत? चला आज के युद्ध की बात दास्ता में तुझे दिखाता हूँ। हाँ हाँ दिखा दिखा। मुझे सुट्टा ना मिला। क्या यार, एक सुट्टा भी नहीं मिलता। काश कुछ मिल जाए, थक चुका हूँ मैं दूर दूर से देखकर, पक चुका हूँ मैं, काश कुछ मिल जाए। क्या हुआ यार, तुम दोनों को इतनी टेंशन में क्यों दिख रहे हो? क्या बताएं यार तुझे, यार कुछ माल ही नहीं मिल रहा है। माल मैं दिलवाती हूँ तुम्हें माल, वो देखो नया बकरा आया है। ओए सुन, बस चल तेरा। यार एक बात बता, डर मत, कुछ ये माल वाल लेता है कि नहीं लेता? मैं समझाती हूँ तुम्हें, लगा दो दम बड़ा मजा आएगा। अरे उठाओ उठाओ, लगा दो दम बड़ा मजा आएगा। अरे 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 लगा कॉलर को छोड़ा ऊपर को दम मारो दम।
अब तो समझ में आ ही गया होगा तुझे और आप सबको भी कि ड्रग और अल्कोहल हमारी जिंदगी के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। हाँ आ गया मुझे तेरी बात समझ में, लेकिन तू ये बता तू कहना क्या चाहता है, जादू मंत्र और जंतर मंत्र बताना। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी सॉल्यूशंस हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में इतने सारे रिहैब सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं जिससे इन सारी चीजों से हम निजात पा सकते हैं और सिगरेट की लत से छुटकारा पाने के लिए हम निकोटेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब तो दूर की बात है, अगर आप लोग के पास अच्छी विल पावर है तो आप इस सब एडिक्शन से दूर जा सकते हैं और नशा मुक्ति केंद्र से जुड़कर आप नशे से छुटकारा पा सकते हैं। आज समाज में नशा इस कदर फैल चुका है जैसे हवा में जहरीला प्रदूषण। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है और नशा आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। जरूरत है इसको जड़ से मिटाने की, इसको खत्म करने की, जिसमें समाज के साथ साथ परिवार के लोगों को भी हिस्सा लेना पड़ेगा। हर परिवार के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पहले मैं बहुत परेशान था, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे, नशा मुक्ति केंद्र छोड़ गया, मेरे साथ है। बहुत सही, बहुत सही। नशे के उन्मूलन के लिए हमारी सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चल रही है जो नशा उन्मूलन के लिए, इससे साथ साथ बहुत भी एनजीओ है जिसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो नशा उन्मूलन के लिए काम कर रही है। NIHD जो कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रही है और ड्रग्स एडिक्शन हेतु प्रयासरत है और पूरे देश को जागरूक करने हेतु संकल्पकृत है। क्या हम और आप अपनी भूमिका तय कर पाएंगे कि नशा उन्मूलन के लिए हम क्या करेंगे? हम समाज कार्य के छात्रों ने तो यह संकल्प ले लिया है कि नशे को अपनी नसों में नहीं दौड़ने देंगे और आपको भी इसके लिए गंभीर और जागरूक होने की जरूरत है। तभी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों को हम इस नशा से बचा सकते हैं और अपने भारत देश को एक विकसित और उन्नत भारत की जो कल्पना की है उसे हम भारत को अपना श्रेष्ठ में पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद।